Hello students, welcome to the destination classes. Today I am going to teach you first chapter of class 11 mathematics, and the name of the chapter is set. First of all friends, we need to understand what is the meaning of set. Friends, set ka matlab ye hota hai ki jo agar aap mujhse koi question poochte hai, you say that minimum value of natural number ya lowest value of natural number, we all say 1. Lowest value of whole number, we all say 0. हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, मान लो हम सब एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो हम सबका आंसर सेम होगा. जिस चीज़ पर हम सबका आंसर सेम होता है वो सारी चीज़ें सेट में आती हैं, और ऐसी चीज़ें जो सबके लिए सेम नहीं होती है वो सेट में नहीं आती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे से पूछता है कि मेरा फेवरेट एक्टर कौन है या मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, सॉरी, और कोई आपसे पूछता है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस या एक्टर कौन है, तो आई डोंट थिंक ये ज़रूरी हो कि हम सबका आंसर सेम हो. सभी के अपने अपने पर्सनल फेवरेट्स होते हैं, तो वहाँ पे जब आंसर आपका डिफर कर जाता है तो वो चीज़ें सेट का पार्ट नहीं होती है. और ऐसी चीज़ें जहाँ पे सबका आंसर सेम होता है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वोवल्स ए ई आई ओ यू, अगर वहाँ सबका आंसर सेम है तो वो एक सेट है, अगर वहाँ सबका आंसर सेम नहीं है तो वो एक सेट नहीं है. फ्रेंड्स, मैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारे इसका कंसेप्ट है एक्सरसाइज 1.1 का, मैं आराम आराम से इसको आपको पढ़ के बताऊँगा, सो दैट जब आप इसको नोट डाउन करो तो आपको पता हो कि क्या लिखा हुआ है. आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा हुआ, और आप नोट डाउन कर सकते हो. तो मैं बता रहा हूँ मैंने क्या लिखा है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. फर्स्टली, व्हाट इज सेट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड का मतलब एक चीज जो सबके लिए फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, जो सबके लिए सेम है. कलेक्शन shouldn't change from person to person. एक ऐसी collection जो सबके लिए fix है, person to person उसका जो जो उसका opinion होता है या जो उसके लिए answer होता है वो change नहीं होता है. जैसे मैंने कहा set of vowels, अगर say if I have a knowledge of vowels, you know how many vowels we have, there are 5 vowels, A E I O U, तो आप भी वही बताओगे A E I O U. नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, ये सारे के सारे सेट इसलिए हैं क्योंकि सब में हमारा आंसर क्या होता है, सेम होता है. फॉर एग्जांपल, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस अगर नेचुरल नंबर पूछे जाए तो आप और मैं, आपका और मेरा आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा आंसर यही होगा. थोड़ा आप यहाँ आते हैं, मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है किसी को एक्सप्लेन करने के लिए. सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, वैसे हमारा आंसर क्या होगा, 1 ऑड नंबर, 3, 5, 7 और 9. अब सेट है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है. फ्रेंड, सेट को एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है. और ये जो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, जैसे कि अगर मैं इसी के ये यहाँ मैं अगर ये ब्रैकेट लगा देता हूँ तो ये एक सेट बन गया. और ये जो ब्रैकेट होता है इसको एक्चुअली हम बोलते हैं ब्रेसिस. क्या बोलते हैं, ब्रेसिस, बी आर ए सी ई एस. और ये जो इसके अंदर ये जो आपने नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं आपके, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, ई एल ई एम ई एन टी एस. तो सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, कैपिटल अल्फाबेट से. इसको एक ब्रेसिस के अंदर रखा जाता है, किसके अंदर रखा जाता है, ब्रेसिस के अंदर. और जो इसके अंदर ये जितने भी नंबर्स हैं, जो भी ब्रेसिस के अंदर होता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कैपिटल अल्फाबेट, ब्रेसिस और उसके अंदर एलिमेंट. इसके बाद आता है फ्रेंड, सेट की कितनी फॉर्म्स होती है. सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स. सेट की बेसिकली टू फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ध्यान से देखो, ये टेबल रिप्रेजेंटेशन होती है, ये टेबल रिप्रेजेंटेशन होती है, इसी को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. और सेकंड फॉर्म होती है फ्रेंड्स, सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब जो थ्योरेटिकली आपने इसको बोला, जो थ्योरेटिकली यानी कि जैसे मैंने कहा ए ई आई ओ यू, ये हो गया टेबुलर फॉर्म, ये एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा है आपने. ए ई आई ओ यू एक्चुअल में है क्या, सेट ऑफ वोवल्स,
तो वो होगी सेट बिल्डर फॉर्म, कि जो चीज लिखी गई है उसका थ्योरेटिकल जो वर्जन होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और उसको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना वो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है। अब इसको एग्जैक्टली लिखा कैसे जाता है वो समझते हैं। ये जो था आपका ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये है तो सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे टू रिप्रेजेंट द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम इस तरह से लिखेंगे, एक्स पहली बात तो सेट है तो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, इक्वल टू एक्स, ये जो साइन होता है ये इस तरह से होता है आपका, ये इसको बोलते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में सच दैट, एक्स सच दैट, यहाँ पे जो एक्स है ये जो भी आपने बात लिखी हुई है इस सभी को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पे बात कर रहे हो उसको हम एक सिंबलाइज करते हैं एक्स से, डिनोट करते हैं एक्स से, यानी कि सारी की सारी जो है ये एक्स है, ये पूरी लाइन क्या है एक्स, और क्या है वो एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो जितनी भी ये बात पूरी जो थ्योरेटिकल लाइन होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और फिर वो आगे लिखा जाता है, और लिखने का वे क्या होता है कि ये पूरा एक्स है और वो एक्स है क्या, फिर इसको एज इट इज लिखा जाता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन या लेस देन 10। दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो भी थ्योरेटिकल लाइन होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स सच दैट, अब वो है क्या, मान लीजिए ए ई आई ओ यू तो सेट ऑफ वोवल्स है, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए सेट ऑफ वोवल्स, और जब मैं तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और जब मैं इसको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। एक बात और बता देता हूँ आपको, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, आई होप ये क्लियर हो गया आपको, नहीं तो जब आप नोट डाउन करो तब इसको उतार लेना वीडियो को रिवाइंड करके। मैंने कहा आपको एक वर्ड दे दिया आपको स्कूल, राइट, और मैंने कहा इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसको सेट की एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखो, तो मैंने कहा भाई सेट हो गया ए, इसमें कौन कौन से अल्फाबेट है, एस सी एच ओ, क्योंकि ये ओ रिपीट हो रहा है तो उसको आप दो बार नहीं लिखोगे, हर एक एलिमेंट्स को एक ही बार लिखा जाता है, यही इसका मतलब था। इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। आप साथ में एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसके नीचे ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना आप। सो आई होप यहाँ तक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया, तो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये आप यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट अभी लिखा था सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या क्या था एक के अंदर 1, 3, 5, 7, 9, इसी एग्जाम्पल्स को लेके मैंने यहाँ पे इसको समझाया है। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे हम कहते हैं कि यार ये बहुत अमीर घर से बिलोंग करता है, इसका मतलब उसका जो है उससे एक रिलेशन है। शाहिद कपूर जो है एक जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो ऑलरेडी एक पहले बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, जैसे कि उसके फादर ने पहले बॉलीवुड में काम किया है, या रणबीर कपूर एक बॉलीवुड फैमिली से ही बिलोंग करता है। बिलोंग का मतलब उसका जिस फैमिली से रिलेशन है वो बॉलीवुड में पहले काम कर चुकी है, ये होता है बिलोंग्स टू। तो कैन आई से दैट वन बिलोंग्स टू है कि वन जो है वो ए से बिलोंग करता है, यस। क्या यहाँ पे आपको कहीं टू दिखाई दे रहा है, तो टू नॉट बिलोंग्स टू, जो बिलोंग्स टू का साइन होता है वो इस तरह से होता है, और अगर आपको कट दो आप इसको कैंसिल कर दोगे तो डज नॉट बिलोंग टू। तो इस सेट को हिसाब से वन तो बिलोंग कर रहा है लेकिन टू बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके अलावा 1.1 के इंट्रोडक्शन में आपको कुछ मैथमेटिकल सेट्स के सिंबल पता होने चाहिए, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन, सेट ऑफ इंटीजर्स आपको पता है इंटीजर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उसका सिंबल होता है जेड, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इस तरह से क्या होता है कैपिटल टी, सेट ऑफ रियल नंबर की बात आएगी तो कैपिटल आर, सेट ऑफ होल नंबर वही डब्ल्यू, 0, 1, 2, 3, 4। तो आपको सिंबल्स पता होने चाहिए, इनका भी यूज होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि सेट क्या होता है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेट एक ऐसी कलेक्शन होती है जो सबके लिए सेम होगी, किसी भी बात में अगर सबका आंसर सेम है तो वो सेट है।
सेट कितनी फॉर्म की में होते हैं फ्रेंड? दो टू फॉर्म्स ऑफ देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ सेट। अगर उसको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखोगे तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेट की रिप्रेजेंटेशन किससे होती है? कैपिटल अल्फाबेट से ए। इसको ब्रेसिस में लिखा जाता है, ब्रेसिस के अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड जो फॉर्म होती है सेट की, सेट बिल्डर फॉर्म। जो भी थ्योरेटिकल लाइन होते हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं और उसको ब्रेसिस के साथ लिखा जाता है एक्स सच दैट, और जो भी वो लाइन होती है एक्स इज ए सेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर कुछ भी होगा। बिलोंग्स टू, जो एलिमेंट उसमें होगा वो बिलोंग्स टू, अगर वो सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ 1.1। पॉज द वीडियो, नोट डाउन द होल कंसेप्ट, देन वी विल प्रोसीड विद द एक्सरसाइज 1.1। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन हैज बीन गिवन इन योर बुक। क्वेश्चन सर आपकी बुक में होगा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो अभी आप यहाँ से समझ सकते हो। मुझे समझाने के लिए सारा मैंने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन नंबर जो वन है आपका, ये आपको इसके वेरियस पार्ट्स दिए हुए हैं। आपको इस क्वेश्चन को, इस सभी पार्ट्स को पढ़ के ये बताना है कि क्या वो सेट है या नहीं है। तो सेट की मैंने आपको एक सेट डेफिनेशन ये बताई थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऐसी चीज जो सबके लिए सेम है वो सेट है, जो सबके लिए सेम नहीं है वो सेट नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। अ कलेक्शन ऑफ, क्या लिखा हुआ बता देता हूँ आपको, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपसे ये पूछा जाए कि साल में कितने ऐसे महीने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। आपको जनवरी, उसके बाद जून, फिर जुलाई, इस तरह से बताओगे। और ये आंसर सबके लिए सेम होगा अगर इसका आंसर सबको पता है। जो आंसर सबके लिए सेम होगा वो सेट है। तो कहना है, से दैट फर्स्ट वाला मेरा सेट है, यस। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये आंसर सबका सेम हो सकता है? हो सकता है जो मेरे फेवरेट राइटर है वो आपका फेवरेट ना हो, तो ये सेट नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। ये मैंने एग्जांपल में भी लिया था। किसी का कोई, जैसे किसी का फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है, किसी का एबी डिविलियर है, किसी का कोई और है, तो क्या सबका आंसर ही सेम हो सकता है? नहीं। तो ये भी फ्रेंड सेट आपका नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपसे पूछा जाए आपकी क्लास में कितने बॉयज पढ़ते हैं, सबका आंसर सेम होगा, तो जो सेम है वो सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये सबका आंसर क्या होगा? सेम, 1 से लेकर 99 तक। जो आंसर सबका सेम है, यस, वो एक सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नॉवल लिखे हैं? ऑब्वियसली अगर किसी को नॉलेज होगी, मान लो मुझे पता है, आपको पता है, तो हमारे आंसर सेम होंगे कि कौन कौन से नॉवल मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। तो ये बच्चों सेट आपका है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी सबका आंसर सेम होगा, तो ये भी आपका सेट है। नेक्स्ट है आपका, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? तो जितने भी क्वेश्चन हम सारे सेम ही आंसर देंगे। जो आंसर सबके लिए सेम है वो अगेन आपका सेट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। से आपने कहा टाइगर, कितने लोग होते हैं जिन्होंने टाइगर को पाला हुआ होता है, वो टाइगर के साथ खेलते हैं, तो क्या ये आंसर सबका सेम हो सकता है? नहीं। तो फ्रेंड्स ये सेट नहीं है, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमें ये बताना था कि क्या ये जो भी पार्ट्स गिवन है वो सेट है या नहीं है। जो आंसर सबके लिए सेम होगा वो सेट है, जो सबके लिए सेम नहीं होगा वो सेट नहीं है। आई होप द आंसर इज क्लियर टू यू। नाउ पॉज द वीडियो एंड रिवाइज द होल कंसेप्ट, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। नो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज, आपको एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। हमें ये यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें ये चेक करना है कि ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने आपको कंसेप्ट में समझा था, बिलोंग्स का मतलब अगर वो उससे रिलेटेड है, उसका उससे कोई रिलेशन है तो वो बिलोंग करेगा, अगर कोई रिलेशन नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या 5 इस सेट के अंदर है? हाँ 5 है, तो यस ये बिलोंग करेगा। क्या 8 इस सेट के अंदर है कोई एलिमेंट? नहीं, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। क्या 0 इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है? नहीं, तो ये भी बच्चों बिलोंग नहीं करेगा।
क्या फोर इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है? यस है, तो ये बिलोंग करेगा। क्या जीरो इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है? ये जीरो नहीं है, ये कुछ और होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे थ्री। तो क्या थ्री सेट को बिलोंग कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो बच्चों ये बिलोंग करेगा। बेसिकली आपको कंसेप्ट समझना ही, कंसेप्ट क्या है, अगर वो एलिमेंट उसके अंदर है सेट के अंदर तो वो बिलोंग करेगा, अगर नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब कि जो वो बात बोली जा रही है उसको हमें एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो बड़े ध्यान से समझना, ए इज इक्वल टू एक्स, और एक्स है क्या? एक इंटीजर है। इंटीजर मैंने आपको बताया था जो नंबर लाइंस में होते हैं, और उसको सिंबल क्या होता है? कैपिटल जेड। और इंटीजर जो है उसकी वैल्यू क्या है? यानी कि जो ये एक्स जो एक इंटीजर है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है बच्चों? वो माइनस थ्री के बीच में लाई कर रहा है और सेवन के बीच में। आपको यहाँ जो ये वाला साइन दिखाई दे रहा है, मैं एक्चुअली बताता हूँ आपको, ये इस तरह से है, माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन सेवन। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एक्स जो है वो माइनस थ्री से बड़ा है और माइनस थ्री के इक्वल है। ये जो साइन होता है ये साइन ऑफ इक्वालिटी होता है, इसको बोलते हैं इक्वल। यानी कि एक्स की वैल्यू या तो माइनस थ्री से बड़ी होगी या एक्स एटलीस्ट माइनस थ्री के इक्वल होगा। क्या यहाँ पे कोई इक्वल का साइन है? नहीं। तो एक्स जो है यहाँ पे सेवन से छोटा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि आपको ऐसे एलिमेंट लिखने हैं, या तो वो माइनस थ्री हो या माइनस थ्री से बड़ा हो लेकिन सेवन से क्या हो? छोटा हो। तो ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट आएंगे। तो अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पर जो ए है आपका सेट है, अगर मैं उसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी? माइनस थ्री के इक्वल है तो माइनस थ्री से स्टार्ट करेंगे, फिर क्या आएगा? माइनस टू, फिर क्या आएगा? वन। सेवन से छोटा है तो मैं कहाँ तक जाऊंगा? सॉरी, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सेट बी। यहाँ पे जो एक्स है आपका वो एक नेचुरल नंबर है और लेस देन सिक्स है। तो नेचुरल नंबर जो बी से छोटे हों वो कौन कौन से होंगे? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरह से होगा। एक्स जो है टू डिजिट नंबर, नेचुरल नंबर है, और उसका जो और वो जो टू डिजिट है उनका सम कितना होना चाहिए? एट। बहुत सिंपल है, ये भी आपका टू डिजिट नेचुरल नंबर और सम कितना होना चाहिए? एट। तो बच्चों ये सी हो गया आपका टू डिजिट। अगर मैं वन लिखूंगा तो वन के साथ सेवन आएगा, क्योंकि वन प्लस सेवन क्या होता है? एट। टू के साथ क्या आएगा? सिक्स। थ्री के साथ क्या आएगा? फाइव। फोर के साथ क्या आएगा? फोर। फाइव के साथ क्या आएगा? थ्री, क्योंकि फाइव और थ्री क्या होता है? एट। और सिक्स के साथ क्या आएगा? टू। सेवन के साथ वन और एट के साथ जीरो। तो ये वो सारे नंबर हैं जो टू डिजिट के हैं और सबका सम कितना है? एट। पार्ट डी, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर जो 60 से क्या हो? 60 का डिवाइजर हो। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे? आपको पता सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है जो 60 को डिवाइड करेगा, 3 भी करेगा, 5 भी प्राइम नंबर होता है वो भी डिवाइड करेगा, 7 नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा, उसके बाद आता है 13 नहीं करेगा, फिर 17 नहीं करेगा आपका, फिर आएगा 19 वो भी नहीं करेगा, 19 के बाद आएगा 23 भी नहीं करेगा, 29 भी नहीं करेगा, 31 के बाद आएगा बच्चों 37, इस तरह से आपका चलता रहेगा। आपको वैसे ही पता होना चाहिए, अगर मैं 6 का फैक्टर बनाऊं तो 2, 3 जा 6 और लास्ट में 0 होने की वजह से 5, तो 2, 3, 5 आप कह सकते हो ये वो प्राइम नंबर है जो 60 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल में भी बताया था, स्कूल का एग्जांपल लिया था मैंने। यहाँ पे आएगा बच्चों टी आर आई जी ओ, वर्ड को रिपीट नहीं करना आपने, एन आएगा आपका, ओ नहीं आएगा, एम आएगा, यस एम विल बी देयर, ई यस ई आएगा आपका, फिर टी ऑलरेडी हम लिख चुके हैं,
r already लिख चुके हैं और y, yes y will be there. The set of all letter in the word better. Better में क्या क्या आएगा बच्चों? F will be equal to B, E, T और R. तो I hope question number 2 is clear to you. Question number 3 is clear to you. तो first of all चलो ये भी कर ही लेते हैं हम. The next question है आपका. Write the following sets in the set builder form. Write the following set in the set builder form. Set builder form अब इसका exactly opposite. अब यहाँ पे आपको roster form given है और आपको उसको set builder form में लिखना है. Say first जो है आपका, मैंने कहा था जितने भी elements होते हैं हम उसको x मान लेते हैं. अब हमें ये समझना होगा कि अब एक काम करो friends, पहले इसको notify कर लो. Pause the video and note it down. मैं इसको रब करके, ये मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है, तो आप इसको पॉज करके पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, उसके बाद फिर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो है 3, 6, 9, 12. अब इस पे रिलेशन देखो. कैन आई राइट इट एज 3 into 1? यस. कैन आई राइट इट एज 3 into 2? यस. कैन आई राइट इट एज 3 into 3? यस. कैन आई राइट इट एज 3 into 4? यस. तो अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो वो क्या होगी? वो होगी x such that x where x is equal to 3n, क्योंकि 3 into something है, 3 into 1, 3 into 2, where जो 3 into में है वो 1, 2, 3, 4. तो can I say that where n belongs to a natural number and ये जो n है इसकी value किस किसके बीच में lie करेगी? ये 1 से तो greater होगा या 1 के equal होगा, और 4 या 4 से क्या होगा? छोटा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहले तो अभी रिलेशन को देखो. 3 मीन्स 3 into 1, 6 मीन्स 3 into 2, 9 मीन्स 3 into 3 एंड 12 मीन्स 3 into 4. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट x सच दैट x इज इक्वल टू किस फॉर्म में? 3 into समथिंग. और वो समथिंग क्या है आपका? स्मॉल n. लेकिन आपको अगर आपने ये मेंशन नहीं किया कि वो स्मॉल n क्या है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं 1 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं अगर आप रियल नंबर डेसिमल फॉर्म में जाओ. तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि n एक नेचुरल नंबर है, तब आप कह सकते हो कि वो नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 और 4 के बीच में लाई करेगा. तो आई थिंक आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा. तो सेकेंड पार्ट में चलते हैं. सेकेंड है बच्चों आपका 2, 4, 8, 16, 32. तो पहले रिलेशन बनाते हैं. ये हो गया 2 raised to power 1, ये हो गया 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4 और 2 raised to power 5. तो अगर इनके बीच में रिलेशन लिखूं तो कहना राइट इट एज, ये तो इसका आंसर था, x such that x is equal to 2 raised to power n, 2 raised to power n. n आप देखो तो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, अगेन नेचुरल नंबर, वेयर स्मॉल n belongs to a natural number and n की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1, 1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5. तो आई थिंक फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट बीन क्लियर टू यू. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट. अगर आप यहाँ भी रिलेशन को देखो तो 5, 5 को आप ले सकते हो 5 raised to power 1, 25, 5 raised to power 2, 125, 5 raised to power 3, 625, 5 raised to power 4. तो बच्चों अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप इसको कैसे लिखोगे? अगेन x सच दैट x इज इक्वल टू 5 raised to power n, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड
n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेके 4 तक. n इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट. अब मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं, इसमें अगर हम रिलेशन ढूंढे 2 और ये क्या है 4 और ये क्या है 3, कैन आई से दैट ये इवन नंबर्स हैं. दीज आर, एक काम कीजिए पहले थर्ड पार्ट का नोटिफाई करो, फिर मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ समझाता हूँ. ठीक है, आइयो फ्रेंड्स, से हो गया आपका, मैं जरा कर रहा हूं. तो फ्रेंड्स फोर्थ पार्ट आता है आपका 2, 4, 6 एंड सो ये सारे सारे इवन नंबर्स हैं, तो कैन आई राइट देम एज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, वेयर n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. कुछ भी हो सकता है. एक पार्ट और है आपका इस क्वेश्चन का, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है. वो पार्ट है फ्रेंड्स आपका दैट पार्ट इज 1, 4, 900 राइट. तो अगर आप देखो इसको तो 1 क्या है आपका 1 का स्क्वायर, 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर, 9 क्या है आपका 3 का स्क्वायर, अप टू 100. तो 100 फ्रेंड किसका स्क्वायर है 10 का. तो कैन आई राइट देम एज x सच दैट x इज इक्वल टू ये जितने भी नंबर हैं आपके ये किसका स्क्वायर है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. तो n रेज टू पावर 2 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 10. सो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह से लिख सकते हैं. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. नोटिफाई द वीडियो, नोटिफाई द कंसेप्ट, देन वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग टू पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 2, 4, 6. अगर मैं इसको थोड़ा ऑर्डर वाइज सीक्वेंस में लिखूं तो ये हो गया आपका 2 × 1. 4 को आप क्या ले सकते हो 2 × 2, ये हो गया 2 × 3. तो 2 तो आएगा ही आएगा, साथ में 1, 2, 3 और 1, 2, 3 हमारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर. तो अगर आप ध्यान से देखो उसको हम कैसे लिखेंगे x सच दैट x किस फॉर्म में 2 × something. अभी आपको याद होगा हमने 3 × something फॉर्म की थी, 3n लिखा था और n यहाँ पे क्या है 1, 2, 3. 1, 2, 3 का मतलब नेचुरल नंबर. तो फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. कहाँ तक जाएगा वैल्यू हमें नहीं पता. डॉट डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट टर्म्स. नेक्स्ट बच्चों 1 का मतलब 1 स्क्वायर, 4 2 स्क्वायर, 9 3 स्क्वायर, 100 10 स्क्वायर. तो 1, 2, 3, 4 ये तो नेचुरल नंबर हो गया n और सभी का स्क्वायर. तो n रेज टू पावर क्या हो जाएगा 2. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x सच दैट x इज इक्वल टू n रेज टू पावर 2 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और जो n की वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच में, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है 10 का. तो यहाँ आपके आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. तो आप इसको नोटिफाई पॉज करके पहले आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं स्पेस एम्प्टी कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करना, इसको बाकी के पार्ट्स भी आपको नोटिफाई करने हैं, देन फिर वीडियो को कंटिन्यू करना. ठीक है, सो ये एक हमारे पास कॉलम हो गया क्वेश्चन नंबर 5 को समझने के लिए. अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ये है क्या, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स.
ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, सभी एलिमेंट्स को लिखना है. तो कैन आई से दैट ये रोसे फॉर्म की बात हो रही है. तो फर्स्ट पार्ट है आपका x such that x is an odd natural number. ये तो सिंपल है. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कौन कौन से ऐसे odd natural number होंगे. आपको बता 1, odd 3, 5, 7. क्या ये कभी खत्म हो सकता है? नहीं. तो आप डॉट 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 करके इसको छोड़ दोगे, डॉट 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 और इस तरह से. बी पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. कहता है x such that x is an integer -1/2. वो कह रहा है -1/2 x जो है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है आपका छोटा. तो 1/2 का मतलब -0.5, 9/2 का मतलब 4.5. तो इसके बीच में नंबर लाइन में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे? तो अगर फ्रेंड्स मैं नंबर लाइन बनाता हूँ तो यहाँ आ गया -0.5 और से ये हो गया आपका 4.5. -0.5 से इधर जाओगे तो क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, राइट. तो बी में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे आपके? बी विल बी इक्वल टू 0, 1, 2, 3 and 4. क्लियर है यहां तक आपका? ठीक है. नेक्स्ट है आपका सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स. ये बड़े ध्यान से समझना, आप इसको नोटिफाई कर लेना, साथ में इस एक्सप्लेनेशन को भी आपने लिखना है, फिर इसको करना है, फिर उसके बाद आप सी पे स्टार्ट करोगे. ठीक है. तो पॉज कर लेना वीडियो को यहाँ पे, जहां जहां मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पॉज करना और क्या नोटिफाई करना है, बड़े ध्यान से सुनना है आपने उसको. वीडियो को पॉज करना है, वो कंसेप्ट को नोटिफाई करना है और उसका सॉल्यूशन साथ में लिखना है, फिर आपको वीडियो को कंटिन्यू करना है. ठीक है फ्रेंड. एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4. पहले तो आप ये समझो, ये जो होता है लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी. कि ना तो वो उसके इक्वल है ना वो कंप्लीटली उससे छोटा है. और ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? हम इसको ये ज़ूम करते हैं कि ये इसके इक्वल है. तो कहना चाहिए दैट एक्स की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस 2 होगी. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, माइनस प्लस माइनस 2. तो आपको ये पूछा गया एक्स इज एन इंटीजर. इंटीजर के हिसाब से अगर मैं जाऊं यहां पे तो ये हो गया माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ गया 2. इसके बीच में क्या क्या आएगा बच्चों? माइनस 1, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, प्लस माइनस 2, राइट. तो ये हो गया माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 और 2. अगर आप ध्यान से देखो, ये सारी की सारी वैल्यूज या तो 4 के इक्वल है या 4 से छोटी है. अगर आप x की जगह माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या है? 4. तो ये वाली कंडीशन मैंने आपको अभी बताया था. लेस देन इक्वल टू का मतलब ये जो नीचे वाला साइन होता है, इसका मतलब इक्वल और लेस देन. या तो वैल्यू पुट करके या तो 4 के इक्वल आना चाहिए, 4 से छोटा. तो अगर आप देखो x की जगह मैं माइनस 2 पुट करूंगा तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. तो 4 के इक्वल आ रहा है. दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा आ रहा है. 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा. 1 का स्क्वायर 1, 4 से छोटा. 2 का स्क्वायर 4, 4 के इक्वल. तो यहाँ पे जो c की वैल्यू होगी, वहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 और 2, राइट. d सिंपल है, x such that x is a letter in the word loyal. तो यहाँ पे d में क्या क्या आएगा आपका? अगर मैं d की बात करता हूँ, मैंने कहा था वर्ड रिपीट नहीं करना है, तो l आएगा, O आएगा, Y आएगा और A आएगा, राइट. अब आता है फ्रेंड्स E. X such that X is a month of year, 31 days नहीं होने चाहिए, वो वाले मंथ्स आपको बताने हैं. तो आई थिंक फैब मार्च को छोड़ देते हैं तो अप्रैल, मई को छोड़ देते हैं तो जून, जुलाई अगस्त को छोड़ दो आप तो सितंबर, अक्टूबर को छोड़ दो तो नवंबर. ये सारे डेज हैं जिनमें आपके 31 डेज नहीं होते हैं. नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंसोनेंट प्रीसीडिंग के. अगर के के पीछे मैं जाऊं तो क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के. के से प्रीसीड्स, के से पहले जितने भी कॉन्सोनेंट है वो लिखने हैं. कॉन्सोनेंट का मतलब जो वोवल वाला पार्ट है वो आपको नहीं लिखना है. तो एक तो आप ए को हटा दो, ये वोवल है आपका, ए ई और आई, सॉरी ए ई और आई. तो
तो जो एफ का आंसर होगा आपका वो क्या होगा फ्रेंड्स, बी सी डी एफ जी एच और जे। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द फर्दर कंसेप्ट। So now students, let's start with the question number 6. Question number 6 says, match each of the set on the left in the roster form with same set on the right described in the set builder form. इस क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इनको मैच करना है। जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो रोस्टर फॉर्म में आप देख सकते हैं, जो राइट साइड में एलिमेंट है वो सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में है। सो किस तरह से करना है, जैसे कि अगर मैं एक ही बात करता हूँ, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ऐसे प्राइम नंबर जो 6 के डिवाइजर हैं, तो कैन आई से दैट 2 और 3 प्राइम नंबर है, 6 का भी डिवाइजर है, तो ए के साथ क्या आएगा आपका, ए के साथ क्या आएगा आपका 2, तो ये ऐसे जाएगा राइट। नेक्स्ट वन है आपका, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो बी में क्या आना चाहिए आपका 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9, ये तो ये हो गया आपका बी। सी है आपका फ्रेंड, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, फ्रेंड दोनों में फर्क है, यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर था और यहाँ पे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ सी के लिए, तो 1 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी 6 को करेगा डिवाइड, 3 भी करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, और 6 भी 6 को क्या करेगा डिवाइड। इट मीन्स जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपका मैच करेगा सी के साथ। डी, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, ये तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, ये इसके वर्ड्स है। सो हियर, सो इन टुडेज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 एंड देन वी कंप्लीटेड द एक्सरसाइज 1.1। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.2 अलोंग विद द एक्सरसाइज 2.2। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई होप द होल कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। सो मेक श्योर दैट एक एक क्वेश्चन को आप प्रॉपरली नोट डाउन करो, देन इसकी प्रैक्टिस करो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, तो आपके डाउट्स फिर किस तरह से लिए जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।